नमो नारायण मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जिन लोगों का नाम इंग्लिश अल्फाबेट के सी अक्षर से शुरू होता है, जैसे चंदन, चंद्रलोक, चांदनी, चांद, चमन, या इसके अलावा और भी लोग होंगे। तो जिन लोगों का नाम सी अक्षर से शुरू होता है, उनकी राशि क्या होगी? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि सी नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो सिर्फ एक राशि के नहीं होते हैं। सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पर ये तय कर लेना कि सी नाम वालों की राशि क्या होगी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वीडियो को आप ध्यान से सुने, आपके माइंड में जो भी इन बातों को लेकर कुछ भी बातें हो तो उन बातों को मैं स्पष्ट करूंगा। तो वीडियो आपको ध्यान से सुनना है, लेकिन सबसे पहले आपको मेरा एक काम कर देना है। और काम क्या करना है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में वाईटी पुरुषोत्तम को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जिन लोगों का नाम चू, चे और चो, चू, चे, चो इस अक्षर से शुरू होता है, तो उनकी राशि मेष राशि होगी। मेष राशि के जो भी लोग होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। ये हमेशा अपने जीवन में स्वतंत्र होना, आजाद होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये कभी भी अपने जीवन में किसी भी इंसान के अंदर में रहना ज्यादा पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये हमेशा अपने जीवन में अपनी आजादी को, अपनी स्वतंत्रता को सबसे पहले एवं सबसे ज्यादा महत्व देते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने आजादी के साथ में, अपनी स्वतंत्रता के साथ में कोई भी समझौता करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं एवं इनको हमेशा अपने जीवन में जोखिम उठाना, रिस्क उठाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये कभी भी अपने जीवन में कोई भी जोखिम उठाने से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। तो ये कुछ लोग थे जिनकी राशि मेष राशि है। अभी और भी कुछ लोग हैं जिनकी राशि कुछ और होगी, तो अब उनके बारे में जानते हैं। दूसरा है छ, छ के बाद छ, जैसे कि छ से एक नाम हो गया छेदीलाल, या और भी कोई नाम आपके माइंड में हो, मेरे माइंड में फिलहाल यही नाम आया, छ से छेदीलाल। तो अगर आपका नाम छ अक्षर से शुरू होता है तो आपकी राशि मिथुन राशि होगी, और मिथुन राशि के जो भी लोग होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। ये हमेशा अपने जीवन में नए नए जगह पर घूमने जाना, नए नए लोगों से मुलाकात करना, नए नए लोगों के साथ में अपने समय को बिताना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये कभी भी अपने जीवन में स्थिर नहीं होते हैं, हमेशा अपने जीवन में कुछ नया एवं कुछ अलग करने का प्रयास बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का है तो आपकी राशि मिथुन राशि हुई। इसके अलावा अगर आपका नाम चा, ची इन दोनों अक्षरों से शुरू होता है तो आपकी राशि मीन राशि होगी, क्योंकि इस राशि के जो जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा शांत होते हैं, बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं। ये हमेशा अपने जीवन में बहुत ज्यादा आदर्शवादी होते हैं। ये कभी भी अपने जीवन में अपने आदर्श के साथ में कोई भी समझौता करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा हठीले, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। ये हमेशा अपने जीवन में जिद करना, हठ करना
एवं हमेशा अपने जीवन में अपने जिद को, अपने हठ को सबसे पहले एवं सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ये कभी भी अपने जीवन में अपने जिद के सामने में कोई भी एवं किसी भी इंसान की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो अभी आपने सुना कि सी नाम वाले जो भी लोग होते हैं वो तीन राशि के होते हैं, मेष राशि, मिथुन राशि और मीन राशि। इतनी बातें सुनने के बाद अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट, कोई भी संदेह पैदा हो गया हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करें। आपके संदेह को दूर करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एवं अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में वाईटी पुरुषोत्तम को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में आपको अपने इष्ट देवता का नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को हर जगह शेयर कर देना है ताकि आपके संपर्क में सी नाम वाले जो भी लोग हों सभी लोग इस वीडियो को देखें एवं अपने अपने राशि के बारे में सारी बातें पता कर सके। तो बस हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।